सम्माननीय साथियों, जय हिंद। आज के इस कालखंड में हम राज्य शिक्षा केंद्र के उस दिशा निर्देश पर चर्चा करेंगे जिसमें फिट इंडिया स्कूल सप्ताह मनाने के संदर्भ में जानकारी देते हुए विविध गतिविधियों के बारे में बताया गया है। साथियों, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिशा निर्देश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी जानकारियां हमारे लिए बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य हैं। तो बने रहें मेरे साथ में प्रारंभ से अंत तक और हम देखते हैं इस दिशा निर्देश को। जैसा कि आप यहां पर राज्य शिक्षा केंद्र के 25 नवंबर 2020 के इस दिशा निर्देश को देख रहे हैं, इस दिशा निर्देश की जो विषय वस्तु है यहाँ पर देखिएगा, फिट इंडिया स्कूल सप्ताह मनाने के लिए डिजिटल सिंपोजियम का आयोजन। साथियों, जैसा कि विषय वस्तु दी गई है फिट इंडिया स्कूल सप्ताह, हमको फिट इंडिया स्कूल सप्ताह भी दिसंबर माह में मनाना है, ठीक है। इस संदर्भ में ही यह दिशा निर्देश दिया गया है और डिजिटल सिंपोजियम से आशय है डिजिटल संगोष्ठी का आयोजन होगा। और इस दिशा निर्देश का जो संदर्भ है वो देखिएगा, संदर्भ मानव संसाधन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली का जो पत्र है दिनांक 18 नवंबर 2020 का, इस संदर्भ में यह दिशा निर्देश प्रदान किया गया है। साथियों, फिट इंडिया के संदर्भ में अभी हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिएगा, इस आदेश का जो विवरण आगे दिया गया है, यहाँ विवरण को हम पढ़ते हैं। विषयांतर्गत संदर्भित प्रोग्राम भारत शासन और स्कूल शिक्षा विभाग के समन्वय से 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है। साथियों, जैसा कि समय दिया गया है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच जो है ये जो प्रोग्राम है भारत शासन और हमारा जो स्कूल शिक्षा विभाग है इन दोनों के समन्वय से आयोजित हो रहा है, ठीक है। इस कैंपेन की जो थीम है वो थीम के बारे में जानकारी दी गई है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। साथियों, बहुत ही अच्छी थीम दी गई है कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में कोविड-19 महामारी की वजह से हमारे सारे विद्यालय बंद हैं और सभी व्यक्तियों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए साथियों यह थीम दी गई है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ठीक है। अर्थात कम से कम प्रतिदिन हमको आधा घंटा व्यायाम करना है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, योग वगैरह करना है, इसके बारे में ही कहा गया है। और साथ ही इसी संदर्भ में हमको जानकारी भी प्रदान की जाएगी और जो कैंपेन चलाया गया है उसमें भी यही बात रखी जाएगी। देखिएगा, आगे जानकारी दी गई है, इसके लिए एक फिट इंडिया ऐप और फिट इंडिया पोर्टल पर यूट्यूब चैनल के लिंक, जैसा कि आप यहां पर यूट्यूब चैनल का लिंक देख रहे हैं, ठीक है, इस लिंक पर कार्यक्रम का विवरण दिया गया है। अब साथ जो कार्यक्रम है उसका विवरण दिया गया है और यहाँ पर जो गतिविधियाँ होना है उन गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई है। पहली जो गतिविधि होगी या जो क्रियाकलाप होगा वो ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ठीक है साथियों। इस पर जो चर्चा होगी या जानकारी है, जो विवरण है, जो गतिविधि है इस पर होगी। दूसरा है फिट इंडिया ऐप से फिटनेस असेसमेंट करना। देखिएगा, फिट इंडिया ऐप जो है इससे हमको अपने आप का जो फिटनेस का जो है वो आकलन करना है, ठीक है, फिटनेस असेसमेंट करना। तीसरा है फिट इंडिया स्कूल सप्ताह, फिट इंडिया स्कूल सप्ताह हमको मनाना है, इसके संदर्भ में जानकारी है यहाँ पर। चौथा है फिट इंडिया क्विज, ठीक है, फिट इंडिया से संबंधित जो क्विज है, कुछ प्रश्नोत्तरी होगी उसके संदर्भ में ये गतिविधि रखी गई है, ठीक है। और साथियों, आगे जो जानकारी दी गई है इसमें सभी स्कूलों के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को जोड़ा जाना है, अर्थात सभी विद्यार्थियों को और सारे शिक्षकों को इसमें जोड़ा जाना है, जिसके लिए समुचित कार्रवाई जिलों में सुनिश्चित करें, ऐसा जानकारी दी गई है, ठीक है साथियों। तो आपने देखा यहाँ पर चैनल का लिंक और यहाँ पर जो गतिविधियाँ प्रमुख रूप से हैं उन गतिविधियों के बारे में देखा, ठीक है। यहाँ जो नीचे आप देखेंगे संलग्न फिट इंडिया कैंपेन का पत्र, तो साथियों उस पत्रों को भी आप यहाँ देख लीजिएगा, ये फिट इंडिया का जो पत्र है वो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा पत्र। और साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं फिट इंडिया कैंपेन दिसंबर 2020, ठीक है। और साथियों चलिए अब मैं आपको चैनल भी बता देता हूँ साथों साथ।
जैसा कि आप यहाँ पर YouTube चैनल देख रहे हैं साथियों, एप्लीकेशन इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ ऊपर लेंस के चिन्ह पर क्लिक करके यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है फिट इंडिया, ठीक है, FIT फिट और INDIA, इतना ही आप IA इतना ही टाइप करेंगे और सर्च कर लेंगे तो आप यहाँ देखिएगा ये आ चुका है फिट इंडिया, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जी ठीक है साथियों, यहाँ पर देखिएगा 1.67 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। और ये चैनल साथियों, इसके पश्चात हम साइट भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र देख रहे हैं, क्रोम ब्राउज़र करेंगे ओपन और यहाँ पर आपको टाइप करना है फिट इंडिया, FIT फिट और इस पर देख करके INDIA, ठीक है, IA पोर्टल है ना, इसको आपका करेंगे सीधे सर्च कर लेंगे तो सर्च करने के बाद ये फिट इंडिया इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है साथियों। और इसके संदर्भ में निश्चित ही हमको दिशा निर्देश भी प्राप्त होंगे, ठीक है। चलिए बैक चलते हैं। तो साथियों, इस तरह से इस कालखंड में मैंने आप लोगों को राज्य शिक्षा केंद्र के इस दिशा निर्देश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।